क्या कहलाता है, मैं आप देखेंगे कि दोनों फैमिली में वैसे ही इतनी बड़ी तकरार थी, वो थे अक्षरा और अभिमन्यु। इन दोनों को लेकर दोनों फैमिली में इतनी कड़वाहट बढ़ गई थी, सिंघानियाज और बिरला के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम थी वो आप देख रहे थे। लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे कि अनीशा और कैरव की वजह से एक बार फिर से इन दोनों परिवार में कड़वाहट का डोज और बढ़ जाएगा। जी हाँ, यहां पर अनीशा जब भाग के सिंघानियाज हाउस आती है, दरअसल वो कैरव के लिए आती है, कैरव भी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाता है और मन्यु को तो सारा सच पता ही है। यहां आप देखेंगे जब मनीष यहां पे अनीशा को देखता है, पूरा परिवार देखता है, तो शॉक्ड हो जाता है। अनीशा यहां आके सबको सच बताती है कि वो कैरव से बेइंतहा प्यार करती है। ये बात सुनके पूरे परिवार वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि कैरव और अनीशा, वैसे सबको अजीब नहीं लगता, ठीक है अनीशा कोई लड़की है जो कैरव से प्यार करती है, यहां आई है। लेकिन जब आरोही सबको बताती है कि अनीशा है कौन, दरअसल इसका नाम है अनीशा बिरला, तो जाके मनीष और पूरे घर वालों का दिमाग खटकता है कि दरअसल ये तो अभिमन्यु की बहन है। और आज तक पूरे परिवार को पता ही नहीं था कि अभिमन्यु की कोई बहन भी है। यहां पर मनीष और पूरा परिवार अनीशा को लेकर बिरला हाउस जाते हैं, अभिमन्यु के घर जाते हैं। और यहां पर अभिमन्यु बहुत परेशान है, वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता है, क्योंकि आरोही, कैरव और अभिमन्यु जब घर आते हैं यहां पर इसके यहां पे सिंघानिया हाउस, तो देखते हैं यहां पे कोई है नहीं। और तब वहां पे वॉचमैन बताता है, घर का नौकर बताता है कि सब लोग बिरला हाउस गए हैं। यहां पर सब भाग के निकलते हैं और वहां पर मनीष बिरला हाउस पहुंच चुका होता है। वहां पर मनीष अभिमन्यु के पिता को कहता है कि आपकी कोई बेटी है, ये तो मुझे आज पता चला। बिरला सच छुपाते हैं लेकिन बेटी भी छुपाते हैं, ये तो आज पता चला। यहां आप देखेंगे कि दोनों परिवारों में बहुत बहस होती है। अनीशा सबके सामने एक्सेप्ट करती है कि वो कैरव से प्यार करती थी, लेकिन कैरव यहां पहुंचता है और एक बड़ा ट्विस्ट हो जाता है। कैरव कहता है अनीशा उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं है। यहां पे अब देखना यह है कि क्या कैरव और अनीशा एक होते हैं, क्योंकि यहां इन दोनों की प्रॉब्लम में अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अक्षरा अपने पिता का साथ देगी, अपने पिता की तरफ खड़ी, अपने पिता नहीं अपने दादू की तरफ खड़ी होगी, और यहां पर इस सब चीजों की वजह से और प्रॉब्लम आएगी। अब देखना यह है कि इस परिवार की प्रॉब्लम की वजह से क्या अभिमन्यु और अक्षरा एक हो पाते हैं, क्या होता है शो में आगे। सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।